الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان جاری ہے. یہی آیت نمبر 40 گزشتہ جمعہ بھی پڑھی تھی, آج پھر پڑھی ہے. کچھ باتیں آپ کو پہنچا چکا, کچھ باتیں مزید عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے, ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی ہمیں روزی دیتا ہے, زندگی موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ ہمیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا. وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں, بتوں کی پوجا کرنے والے یا مظاہر قدرت کی پوجا کرنے والے یا اللہ کے سوا کسی کی بھی پوجا کرنے والے, ان سے کہا گیا
क्या तुम्हारे शरीकों में से भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके करे? यकीनन कोई भी ऐसा नहीं है। तो पाकी है, बरतरी है अल्लाह ताला को, उसका कोई शरीक नहीं। इंसान अपने दावों के मुताबिक चांद पर कदम रख चुका, उसने ईजादात इनोवेशंस के हवाले से बहुत कुछ कर लिया। टाइम एंड स्पेस, वक्त और मुसाफत पर जितना वो कर सकता था काबू पा लिया। नाश्ता अगर मशरिक में करता है तो दोपहर का खाना जोहराना मगरिब में जाके कर लेता है। तेज रफ्तार तैयारे बना लिए, उड़ान भर ली, मगर बहुत सी चीज़ों में इंसान अब भी कुछ नहीं कर सकता। वो मौत से बच सकता नहीं। पैदा करना, रोज़ी देना, ये अल्लाह का काम है। कितनी मखलूक है, कहाँ कहाँ है, आपको पता ही नहीं है। हर एक की ग़िज़ा क्या है वो भी आपको नहीं पता। आप पूरी कायनात में मखलूक को ग़िज़ा पहुंचा सकते नहीं। मौत, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। तबाई मौत, आप कहते हैं फलां बंदे ने फलां को मार दिया। मौत देने वाला अल्लाह है, वो बंदा सबब बनता है, जरिया बनता है। किसी को गोली मार दी, चाकू मार दिया, जहर दे दिया, ऊपर से नीचे धक्का दे दिया, तो वो सबब बना है। उसने मौत नहीं दी, मौत देने वाला अल्लाह। कितने वाकयात होते हैं बुलंदियों से गिरने वाले भी बच जाते हैं, समंदर में डूबने वाले भी निकल आते हैं। मौत अल्लाह देता है, उसका टाइम मुकर्रर है। अल्लाह पर यकीन रखो। ये जितने काम हैं जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो वो कर सकते नहीं। शिर्क के हवाले से कुछ बातें आपको की थी। ये वो दौर है जहां खुद मुसलमान कहलाने वाले ऐसी बातें करने लग गए कि जो शिर्क नहीं उसको शिर्क बताने लग गए, मुसलमानों को मुशरिक कहने लग गए। हालांकि मुसलमान की शान कुफर से, अंधेरे से रोशनी में लाना, इस्लाम में लाना, मगर कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने उन बातों को भी शिर्क कहना शुरू कर दिया जो शिर्क नहीं है। बुखारी शरीफ में ये हदीस एक से ज़्यादा मर्तबा आई है, क्योंकि बुखारी शरीफ में एक एक हदीस ज़्यादा मर्तबा भी आई है। जिस बाब में जो मसला उससे निकलता हो वो हदीस वहाँ फिर दोहराई गई है। उनको मुकर्ररात कहते हैं, बार बार दोहराना, रिपीटेशन जिसको कहते हैं।
मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इरशाद, मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का खौफ नहीं है, इस बात का अंदेशा है कि मेरी उम्मत दुनिया की रग़बत, दुनिया को ज़्यादा पसंद करने लग जाएगी। इतनी वाज़ेह बात के बाद फिर भी लोग कहें कि नहीं, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क बहुत हो रहा है। तो मैंने कुछ बातें पिछले जुमे भी की थी, मज़ीद अर्ज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, हरगिज़ मुशरिक नहीं हैं। अल्लाह ताला की ज़ात में, उसकी सिफात में, उसके नामों में, उसके कामों में किसी को उसका शरीक नहीं ठहराते। कुछ सिफात अल्लाह ने बंदों को अता की हैं, अता की हुई को अताई कहते हैं। जो खुद से हों वो ज़ाती होती हैं। अल्लाह की हर खूबी ज़ाती है, उसको किसी ने नहीं दी है। अल्लाह ताला खुद से कमाल वाला है, मखलूक को कमाल अल्लाह ने अता किया है। अल्लाह ताला का कमाल किसी के कब्ज़ा में, कंट्रोल में, काबू में नहीं है। मखलूक का कमाल अल्लाह के कब्ज़े में है, काबू में है, मखलूक के कंट्रोल में नहीं है। ये सिर्फ चंद फ़र्क बता दिए। जब फ़र्क आ जाए तो बराबरी नहीं होती, जब बराबरी नहीं होती तो शिर्क भी नहीं। शिर्क कब होगा कि जैसा अल्लाह ताला के लिए मानते हैं बिल्कुल वैसा ही किसी और के लिए मानेंगे तो शिर्क होगा। अल्लाह भी सुनता है, हम भी सुनते हैं। अल्लाह भी देखता है, हम भी देखते हैं। अल्लाह भी मेहरबानी करता है, हम भी मेहरबानी करते हैं। मगर फ़र्क है, जैसा अल्लाह सुनता है कोई और नहीं सुनता, जैसा अल्लाह देखता है कोई और नहीं देखता, जैसा अल्लाह मेहरबान है कोई और नहीं। फ़र्क आ गया तो जब फ़र्क आ जाए तो फिर बराबरी क्या कोई शुबा रहता नहीं। मैं ये कहूँ कि जैसा मैं देखता सुनता हूँ अल्लाह भी ऐसा ही देखता सुनता है, तो मैं अगर बराबरी करूँगा तो ये शिर्क हो जाएगा, जबकि कोई भी ऐसा सोचता नहीं। हाँ, अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को ख़ास तौर पर नवाजता है। वो फरमाता है जो मेरे प्यारे बन जाते हैं उनकी आँखें मैं बन जाता हूँ, उनके कान मैं बन जाता हूँ। फिर वो अल्लाह की अता से जितना अल्लाह चाहे देखते भी हैं, सुनते भी हैं। दूरो करीब देखने सुनने की फिर ताकत उनको अल्लाह की तरफ से अता होती है। वो कुव्वते रब्बानी से देखते सुनते हैं और अल्लाह की अता पर हम एतराज़ नहीं कर सकते। जहन में रहे, शिर्क के हवाले से ये भी बता दिया, हम कलिमा पढ़ते हैं तो पहले माबूदाने बातेला, माबूद जो जिसको इबादत के लायक समझा जाए, बातिल जो गलत है, झूठे हैं, हम पहले तमाम झूठे खुदाओं की नफ़ी करते हैं, इनकार करते हैं। ला इलाहा,
नहीं कोई इबादत के लायक, कोई भी इबादत के लायक नहीं इल्ला मगर अल्लाह। तो अल्लाह को माबूद मानने से पहले तमाम झूठे खुदाओं का इनकार करते हैं, उसके बाद भी कोई अगर शिर्क का फतवा लगाए तो फिर वो क्या कर रहा है, वो समझ नहीं रहा। अगर कोई शख्स गलती कर रहा है तो उस शख्स को गलत कहा जाए। हम अहले सुन्नत व जमात को लोग अगर एक ही जुमले में सबको मुशरिक करार दे दें तो ये जुल्म है और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दे। हदीस शरीफ ये कहती है कि जो मुशरिक नहीं उसको मुशरिक कहा जाए तो कहने वाला मुशरिक हो जाता है। कोई काफिर नहीं और आप उसको काफिर कहें तो कहने वाला काफिर हो जाता है। तो ये बहुत एहतियात की बात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का खौफ नहीं, तो फिर बात बात पर शिर्क के फतवों का क्या मतलब होगा, क्या कहना होगा। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। दूसरी बात, एक होता है शिर्क खफी, छुपा हुआ शिर्क, रियाकारी, दिखावा, शो ऑफ, तसन्नो, बनावट, ये छुपा हुआ शिर्क है। आप ये चाहें कि आपको कोई नोटिस करे, आप नमाज पढ़ रहे हैं दिखा के इस तरह कि अगला, हालांकि आप अकेले में उस तरह नहीं पढ़ते लेकिन जब दूसरे को दिखा के पढ़ रहे हैं तो ये रियाकारी होगी, दिखावा होगा, इसको शिर्क खफी कहा गया, इससे भी बचना चाहिए। हमारा हर अमल खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, दिखावे के लिए ऊंची कहिएगा नहीं होना चाहिए। ये दिखावा, ये तसन्नो, ये बनावट हमारे अमल को ज़ाया करती है और हमें बिगाड़ती है। हम इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की करते हैं। ये मसला भी आपको समझाया, अल्लाह वालों की ताज़ीम करते हैं, शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं। तो मैंने आपको एक उसूल बता दिया था कि हर इबादत में ताज़ीम है मगर हर ताज़ीम इबादत नहीं है। हम दूसरों के लिए एहतरामन खड़े हो जाएं, महब्बत से, अकीदत से खड़े हो जाएं, तो ये ताज़ीम है मगर इबादत नहीं है। जो लोग इन बातों पर भी शिर्क के फतवे देते हैं उन्हें ज़िद है, इनाद है, कोई तकलीफ़ है, कोई गरज है, वरना वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये बातें शिर्क नहीं। वो कौमी तराने के लिए खड़े हो जाएं तो उनके नज़दीक दुरुस्त, हम नबी पाक की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं वो उसको ग़लत कहते हैं। तो क़याम ताज़ीमी हरगिज़ शिर्क नहीं है। वाज़े किया गया, उलमा ने किताबें लिखी, दलाइल दिए, उसके बावजूद जो नहीं समझना चाहता उसका कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला हर किस्म के शरीक से पाक है। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि उसका कभी कोई शरीक था या है या होगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता।
बंदे का ऐसा अमल जिसमें वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, इससे बताया गया उसको कि ऐसा कोई अमल हरगिज़ जायज हो सकता नहीं। रियाकारी करने वाले का अमल सवाब से खाली हो जाएगा, दिखावा करने वाले का अमल सवाब से खाली हो जाएगा। हालांकि वो किस हद तक गया है उसकी अलग बहस है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए हम बाज़ चीज़ें दिखा कर करते हैं मगर मकसद दिखावा नहीं होता। जैसे बाजमात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद आते हैं, मस्जिद आकर हम दिखा कर नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, मगर मकसद दिखावा नहीं है, हुक्म को पूरा करते हैं। तो ऐसा करना रियाकारी नहीं होगा, लेकिन कोई आते हुए नमाज पढ़ते हुए ये नियत रखे कि लोग मुझे देखें और मुझे नोटिस करें, फिर रियाकारी हो जाएगा। तो नफल छुपा के करते हैं, फ़र्ज दिखा के अदा करते हैं, मगर मकसद रियाकारी नहीं होता। तो इस बात को समझना होगा कि रियाकारी क्या है। आप किसी को अल्लाह के लिए दे रहे हैं, कुछ मदद कर रहे हैं, मकसद ये है कि आपको देखा जाए, चार आदमी आपको देखें, आपकी फ़ोटो बने छपे, तो आपका मकसद दिखावा है। लेकिन आप इसलिए दिखा के दे रहे हैं कि दूसरों को भी तरगीब हो, दूसरे भी बढ़े, तो मकसद दिखावा नहीं होगा। हर बात के लिए क्या है, इन नमल आमाल बिन नियात, आमाल नियतों के साथ हैं, हमारे अमलों की बुनियाद नियत के साथ है, दारो मदार नियत पर है। तो नियत में अगर दिखावा नहीं तो फिर कोई दिखावा नहीं होगा, ये जहन में रखें। जब हम ये दावा करते हैं, दिलो जान से यकीन रखते हैं, मानते हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, तो फिर कोई भी नबी हो, रसूल हो, वली हो, अल्लाह की पैदा की हुई कोई भी मखलूक हो, वो सब उसमें शामिल, अल्लाह ताला का कोई भी शरीक नहीं। अल्लाह ताला ने नमाज में अपने नबी पर सलाम रखा, नबी और उसकी आल पर दुरूद रखा, इंशा के साथ, इंशा का मतलब इरादे के साथ आप कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये आप पेपर रीडिंग की तरह जैसे लिखा हुआ पढ़ते हैं वो नहीं है, बल्कि इरादे के साथ सलाम पेश करते हैं इस यकीन के साथ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सुनते हैं और सुनकर जवाब देते हैं इस यकीन के साथ। अब अल्लाह ने यह काम इबादत में रखा है तो आप कहेंगे इबादत में क्या इस तरह नबी पाक शरीक हो गए? नहीं, इबादत पेश की है अल्लाह ताला की बारगाह में, मगर बताया ये जाता है कि ऐ बंदे ये बता तुझे मेरी पहचान किसने कराई, मेरा तारुफ किसने कराया, मेरे बारगाह के आदाब किसने सिखाए,
ये नमाज तुझे किसने सिखाई, वो मेरा हबीब मेरी बारगाह में मौजूद है। तूने इबादत मेरी बारगाह में पेश की है, तो सलाम का हदीया उनकी बारगाह में पेश कर। तो ये अल्लाह के हुक्म से है, इसका मतलब नबी को इबादत में शरीक करना नहीं है। मैंने आपको एक हदीस शरीफ सुनाई थी, हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ रहे थे रात के वक्त, अकेले पढ़ रहे थे तो आवाज़ के साथ क़िराअत कर रहे थे, कुरान शरीफ आवाज़ के साथ पढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनका कुरान पढ़ना सुना। उनको नहीं पता था कि नबी सुन रहे हैं, नबी पाक ने उनका कुरान पढ़ना सुना। सुबह वो जब सामने आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो खुश इल्हानी अता की थी उसमें से तुम्हें हिस्सा मिला है। तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, मैंने रात को तुम्हारा कुरान पढ़ना सुना, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। ये बात हमारे से इख्तिलाफ़ रखने वालों ने भी अपनी किताब में लिखी, हवाला दे देता हूँ, अत्तकश्शुफ़ अन मुहिम्मात तसव्वुफ़, उसमें थानवी साहब ने भी इसको नकल किया। आगे उन्होंने नतीजा भी लिखा, वो भी आपको सुनाता हूँ। नबी पाक ने जब ये फरमाया तो सहाबी ने क्या कहा, हमें कोई कहे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हम आगे से शुक्रिया थैंक यू कह देते हैं, ये हमारा तरीक़ा है। सहाबी ने क्या कहा, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता होता कि आप सुन रहे हैं मैं और अच्छा करके पढ़ता, क्यों कि आप खुश हों, मैं और अच्छा करके पढ़ता। तो नबी पाक ने इस पर इनकार नहीं फरमाया, नकीर नहीं फरमाई, ये नहीं कहा कि ये क्या कह रहे हो, नहीं। अब थानवी साहब नीचे लिखते हैं कि नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, इबादत अल्लाह की, तो उसमें नबी को खुश करने का क्या मतलब। तो थानवी साहब लिखते हैं, नबी को खुश करना अल्लाह ही को खुश करना है। तो ये बात मैंने आपको वाजे कर दी। तो बात बात पर शिरक शिरक करने वाले अजीब लोग हैं, उनके कहने से हम मुशरिक नहीं होंगे। याद रहे, अल्लाह के नज़दीक हम मोमिन हैं, तो इन लोगों के फतवों से हम मुशरिक नहीं होंगे। अल्लाह ताला जिंदा करता है, अल्लाह ही मारता है, अल्लाह ही रोज़ी देता है, अल्लाह ही पैदा करता है। हमारी जिस्मानी बका, जिस्म की बका के लिए, जिस्म बाकी रखने के लिए ज़ाहिरी रिज़्क बख्शा, खाने पीने का अल्लाह ने इंतज़ाम किया। रूहानी बका के लिए हमें इबादत, ईमान, तकवा, बातनी रिज़्क अता किया। जिस्मानी रोज़ी दुनिया के खेतों से, बागों से मिलती है, अल्लाह ने हमें बख्शी। ईमानी रोज़ी कहाँ से मिलती है, तो पहला मरकज़ है दुनिया में जहाँ से ये सिलसिला चला है, ईमानी रोज़ी मदीना मुनव्वरा से मिलती है, नबी पाक के रोज़े से मिलती है, फिर आगे उनकी बरकत से जो मराकज़ रूहानी ईमानी बने, ये याद रहे। और ज़िंदा करने मारने के हवाले से मैंने आपको बताया था, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, वो सूर फूंकेंगे
वो फूंक होगी, चिंगाड़ होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। जितनी भी होगी मखलूक सब की सब, जी नफ्स जितने हैं सब, जिसको आप मरना कहते हैं, सब मर जाएंगे। कुछ वक्फे के बाद वो वक्फा कितना होगा उसकी मुद्दत भी अलग अलग बयान हुई है। वो दूसरी बार सूर फूंकेंगे तो सब जिंदा हो जाएंगे, सब उनकी फूंक में ये ताकत किसने रखी है? अल्लाह ने रखी। वो खुद से ये कमाल नहीं रखते। वो जिंदगी मिलेगी, फिर हिसाब किताब होगा, सजा और जजा का मरहला होगा। ये जिंदगी अब जिस्मानी है, वो जिंदगी रूहानी होगी। इसलिए दोबारा जिंदगी के बाद मौत का जिक्र नहीं फरमाया, क्योंकि इस मौत को भी मौत आ जाएगी। फिर दोजखी दोजख में रहेंगे हमेशा, जन्नती जन्नत में रहेंगे हमेशा। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा वहीं रहेंगे। अब ये फूंक मारना, हदीस शरीफ कहती है खाने में फूंक ना मारो, पानी में फूंक ना मारो। लोग कहते हैं तुम तो दम करवाते हो, हदीस कहती है फूंक ना मारो, तुम दम करवाते हो, तो ये तो हदीस के खिलाफ हो गया। तो सुने, सिर्फ फूंक मारना, सिर्फ फूंक मारना वो गलत है, क्योंकि आपके मुंह से जो जरासीम निकलेंगे वो उस खाने में चले जाएंगे, लेकिन आप कुछ पढ़ेंगे तो वो आपकी फूंक नहीं होगी, वो पढ़ाई होगी। अल्लाह का नाम लेंगे तो उसका असर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, दमे ईसा, दम फूंक को कहते हैं, मशहूर है या नहीं? वो फूंक मारते थे तो उनकी फूंक में बरकत थी या नहीं थी? मूरत बनाते थे, मूर्ति बनाई परिंदे की मिट्टी के साथ, फूंक मारी उसमें जान आ जाती थी, वो उड़ने वाला परिंदा बन जाता, तो वो भी फूंक थी या नहीं थी? पूछ रहा हूं आपसे, फूंक थी। तो एक नेरा फूंकना होता है, रोटी को फूंकना मना किया गया, फूंक मार के ठंडी नहीं करनी चाहिए, आपके जरासीम जाते हैं। मगर आप कोई कलाम पढ़ के फूंक मारते हैं तो वो उस कलाम का असर जाता है। चुनाचे इसका तजर्बा किया गया, साइंस वालों ने दो गिलास में पानी रखा, एक गिलास पे फासले पे रखा, दूसरे पर उन्होंने पढ़ा, कलाम पढ़ा, दोनों पानी का टेस्ट किया गया, जिस पे कुछ नहीं पढ़ा था उसमें जरासीम भी थे, बैक्टीरियाज भी थे, जिस पर पढ़ा गया था वो बिल्कुल साफ था, उसमें सफाई थी, पाकीजगी थी। तो आपने ये बात सुनी, तो आज साइंस भी इस बात को साबित कर रही है। मैं फूंकों के हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन वो कारोबारी फूंकें जो हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो कारोबारी फूंकें हैं, लेकिन अल्लाह वालों की फूंक में दम होता है। वो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह फरमाता है उनकी ज़बान मैं बन जाता हूँ, तो उनके मुंहों में बरकत होती है, असर होता है। सबका मामला एक जैसा नहीं है। मेहरबानी। तो आपने जान लिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनकी फूंक में इतना दम रखा था
वो कुम बे इज़्निल्लाह कह के मुर्दे पे फूंक मारते थे, वो जिंदा हो जाता था। तो ये असर किसने रखा? अल्लाह ने। तो अल्लाह का रखा हुआ असर मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैंने कई मर्तबा आपको समझाने के लिए ये मिसाल दी। हम अल्लाह वालों से दुआ कराते हैं, हम खुद भी दुआ करते हैं, मगर फिर अल्लाह वालों से क्यों कराते हैं? फ़र्क क्या है? हमारे मुंह से झूठ, गीबत, चुगली, नामुनासिब लफ्ज़ निकलते हैं। हम क्या खाते हैं उसमें एहतियात है या नहीं? अल्लाह वाले एहतियात करते हैं, अपने मुंह से कोई भी लगव बात नहीं निकालते। तो उनके मुंह और हमारे मुंह क्या बराबर हो जाएंगे? ऊंची कहिए नहीं। तो इसलिए उनके मुंह पाक होते हैं, उनसे दुआ कराते हैं, उसमें असर होता है। तो ये असर आप भी लाना चाहें तो अपने मुंह को पाक रखें, गलत लफ्ज़ों से भी, गलत ग़िज़ा से भी पाक रखें तो असर आता है। वाले साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मिसाल दिया करते थे कि हमारे मुंह ऐसे हैं जैसे हुक्के की नालियाँ, अल्लाह वालों के मुंह ऐसे जैसे बंदूक की नालियाँ। गोली को हुक्के की नाली से गुजारोगे वो काम नहीं दिखाएगी, वही गोली बंदूक की नाली से निकलेगी तो असर दिखाएगी। तो हम लोगों ने अपना हाल ऐसा कर लिया, अल्लाह वाले सैफ जबान होते हैं, अल्लाह फरमाता है उनकी जबान मैं बन जाता हूँ जिससे वो कलाम करते हैं, फिर उसमें असर होगा या नहीं होगा? तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तावीज़ के हवाले से कुछ लोग इसको भी शिर्क कहने लग गए। तावीज़, अगर लफ्ज़ पे गौर करें, आप आऊज पढ़ते हैं, तावुज़ पढ़ते हैं, पनाह के माने में, इसके ज़रिए आप अल्लाह की पनाह में आते हैं। ये तावीज़ लिखना, तावीज़ करना जायज़ है। क्या कह रहा हूँ फिर कहिए। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने अपने शहजादों के लिए किया, हसनैन करीमैन के लिए किया। आज तावीज़ कारोबार बना हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लोगों ने क्लिनिक खोली हुई है, तावीज़ों के पैसे रखे हुए हैं। कोई लिखे कभी उजरत लेने की बात करे वो और है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कारोबार कर ले, दुकानें खोल ले, ये मतलब नहीं है। गलत तावीज़ करना गलत होगा, सही तावीज़ करना सही होगा। सीधा सा जवाब। अगर उसके बावजूद कोई नहीं मानता तो उलमा ने इस पर किताबें लिखी हैं, पढ़ ले, दलाइल पढ़ ले, समझ आ जाएगी बात। नहीं मानना चाहता तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह जो गलत चीज़ें हैं, मसलन कुछ लोग जेवर पहन लेते हैं कान में, छल्ले पहन लेते हैं हाथ में, मुख्तलिफ धातों के, वक्ती तौर पर किसी धात को दो चार मिनट के लिए पहना कर कुछ करना वो और बात है, लेकिन ये कि ये धात पहनो इससे ये होगा, ये जायज़ नहीं है। मर्दों के लिए किसी किस्म का जेवर जायज़ नहीं। चांदी की अंगूठी पहने, सोना पहनना चाहते हैं सोने के बटन पहन लें, लेकिन जेवर की शक्ल में मर्द को हरगिज़ इजाज़त नहीं। लोग चेन पहन लें गले में, हाथ में ब्रेसलेट पहन लें, इसकी कोई गुंजाइश नहीं।
चांदी का छल्ला पहनता है, बिल्कुल पहन सकता है, किसी और चीज़ का है तो उसकी गुंजाइश नहीं है। तो जो गलत चीज़ है उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन जो गलत नहीं है उसको गलत कहना भी गलत होगा। तुम्हारे पास क्या दलील है उसको गलत ठहराने की? तुम्हारी समझ में बात नहीं आई है तो सही, जायज़, मुस्तहब, अच्छे काम को गलत कह रहे हो तो इसकी तुम्हें इजाज़त, इख्तियार नहीं है। तो लोगों को खामखा मुशरिक, बिदअती या हराम काम करने वाला न बनाओ, इस तरह कह के तुम खुद भी मुजरिम बनते हो, दूसरों को भी गुनाहगार ठहराते हो। तो शरीयत वाज़े है, हम हरगिज़ हरगिज़ शिर्क नहीं करते। अल्लाह ताला शरीकों से पाक है, शरीकों से पाक, उसका कोई शरीक ना था ना है ना होगा, सोचा भी नहीं जा सकता। अल्लाह ताला को किसी की किसी तरह ज़रूरत नहीं। उसने कारखाना कुदरत में कुछ उमूर लोगों को, मखलूक को दिए, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हर तरह की ज़रूरतों से पाक है। ये इज़्ज़त करामत दी जाती है, शरफ़ दिया जाता है। दीन को हम फैला रहे हैं जिसको आप तबलीग कहते हैं, तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए सआदत है कि हमें इस खिदमत का मौका मिला है, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि हम उसका दीन फैलाएं, हक बात लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। कोई सजदा ना करे, अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ेगा? जो करते हैं अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ता है? जो करते हैं मानते हैं उनको नवाजा जाता है, जो नहीं करते इनकार करते हैं वो महरूम रहते हैं, उनके लिए सजाएं हैं। तो ये समझने की बात है, आज इतनी एडवांस दुनिया में, तेज़ रफ्तार दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, लोग जो शिर्क बिदत के फतवे लगा कर तरह तरह की बातें करते हैं, क्या वो दीन के लिए क्या कर रहे हैं? वो क्या बताना चाहते हैं कि दीन इस्लाम बांझ है, माज़ अल्लाह दीन में हल नहीं है मौजूद चीज़ों का? वो क्या कहना चाहते हैं कि इस दीन में आपके मसाइल का हल नहीं है, मुश्किलात दूर करने का हल नहीं है? वो ये कहना चाहते हैं कि नहीं जी, दीन जो है बस नमाज रोज़े का नाम है और कुछ नहीं। तो उनको जान लेना चाहिए, ये निज़ाम ज़िंदगी, ज़िंदगी के हर शोबे हर गोशे में हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। हमें पानी का कतरा ना हक बहाने से भी मना किया गया, तो हम किसी का ना हक खून कैसे बहाएंगे? ये तो फजूल पानी बहाने से मना करता है दीन, तो हम किसी का खून ना हक क्यों बहाएंगे? आपको मालूम होना चाहिए, जिहाद अगर दीन में है तो ये ज़रूरी है। हर मुल्क ने फौज क्यों बनाई हुई है? दिफा का निज़ाम, डिफेंस सिस्टम क्यों बनाया है? कि उनके वतन के ख़िलाफ़, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़, उनके हुक्मरानी के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो उसको सजा दें। तो उस वक़्त क्या कहोगे कि मुल्क वाले कानून बना लें? रब का कोई कानून नहीं होना चाहिए? तो जहाँ फसाद होगा, जहाँ खराबी होगी, वहाँ इलाज बताया जाएगा। आपके जिस्म पे ज़ख़म लगता है, कोई ज़ख़म होता है जो मरहम से ठीक होता है, कोई ज़ख़म होता है जो चीरा लगाने से ठीक होता है,
जहाँ चीरा लगाना हो वहाँ सिर्फ मरहम लगाएंगे तो जहर फैलेगा या नहीं फैलेगा। इसी तरह जिस मुआशरे में ख़राबी फैल जाए फिर वहाँ जिहाद किया जाता है। ये जिहाद ज़बान से होता है, कलम से होता है, हथियार से होता है, नौइयत होती है, और इसके लिए बाकायदा शराइत हैं, अहकाम हैं। ऐसे नहीं कह दिया जाता तो किसी, ये अल्लाह की ज़मीन है, इसमें अल्लाह का निज़ाम होना चाहिए, कोई अल्लाह के निज़ाम के लिए रुकावट बनेगा या वो ऐसा सबब बनेगा कि अल्लाह के फरमान पर अमल नहीं करने देगा तो उनको समझाया जाएगा, नहीं समझेंगे तो उनसे जिहाद किया जाएगा। तो इस हवाले से समझें पहले, हमारे दीन के जिहाद को लोग खूनरेजी कहने लग गए, ब्लडशेड कहने लग गए, ऐसा नहीं है। ये खून बहाने के लिए नहीं है बल्कि दुरुस्ती के लिए है, इस्लाह के लिए है, इलाज के लिए है, भलाई के लिए है। आप भी अगर देख लें कि आपके जिस्म में कोई ख़राबी आ जाती है तो फिर आप जिस्म का कोई हिस्सा अगर ऐसा हो जाए कि जहरीला बन जाए और उसके फैलने का डर हो तो उस हिस्से को कटवाते हैं या नहीं कटवाते, ताकि बाकी जिस्म महफूज रहे। इसी तरह बुराई के लिए उसका खात्मा ज़रूरी है ताकि बाकी मुआशरा आसानी से रहे, उसको परेशानी ना हो। ये मैंने कुछ बातें कर दी आपके समझाने के लिए। शिर्क के हवाले से जो लोग बातें करते हैं या दीन के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं उनका जवाब देने के लिए मैंने आपको कुछ बातें सुना दी। कुछ लोग रहबानियत इख्तियार कर लेते हैं। रहबानियत का माना आबादी को, रिश्ते नातों को छोड़कर जंगल में चले जाना, कि ना वहाँ पर गुनाह का कोई ज़रिया होगा, ना गुनाह करेंगे। इस्लाम ने इसको पसंद नहीं, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं। लोगों में रहकर गुनाह से बचो, ये है कमाल। ऐसी जगह चले गए जहाँ गुनाह का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, वहाँ जाके बचना क्या हुआ। तो तकवा क्या है? बीच में रहें लोगों के और अल्लाह से डरें, नाफरमानी से बचें, तो ये है असल चीज़। कुछ लोगों ने कुछ रस्में बना ली अपने अपने तौर पर, उन रस्मों को देखा जाएगा कि वो रस्में शरीयत और सुन्नत से टकराती तो नहीं है। अगर टकराती होंगी मना किया जाएगा, नहीं टकराती हैं तो उसको देखकर बताया जाएगा कि इसकी गुंजाइश है या नहीं। मसलन पीर वारिस अली शाह साहब मशहूर बुज़ुर्ग हुए, उनको एहराम का लिबास इतना पसंद आया कि उन्होंने गेरवे रंग का एहराम सारी ज़िंदगी पहना, दो चादरें, वो उसी में रहना पसंद करते थे। अब शरीयत में देखना होगा कि क्या इस लिबास में रहना मना है, तो अगर मना नहीं है तो फिर उस पर एतराज नहीं किया जाएगा। ये मैंने समझने के लिए बात की। तो कोई सूफी सिलसिला हो, तसव्वुफ का कोई तरीक़त का सिलसिला हो, उनके रस्म व रिवाज, तौर तरीक़े उनके देखे जाएंगे। अब अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए कुछ तरीक़े सूफिया ने अपनाए, उनको मुजाहदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुजाहदा, कोशिश करना, अपने आप को संभालना, संवारना। अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए वो कुछ तरीक़े उन्होंने अपनाए। हबसे दम है, पासे अनफास है, तो सांस रोक कर भी ज़िक्र करना तरीक़े हैं। अगर वो शरीयत में मना नहीं है, शरीयत उनको मना नहीं करती, सुन्नत मना नहीं करती,
तो उन पर एतराज नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार कर ले जो शरीयत और सुन्नत से टकराता होगा तो फिर उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आजकल इश्तिहारी कारोबारी पीरों ने जो सिलसिले अपनाए हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तसव्वुफ़ की रूहानियत की बात कर रहा हूँ। और इतनी बात आपको बार बार कहता हूँ कि कोई तरीक़त शरीयत के बग़ैर नहीं होती, कोई तरीक़त शरीयत के बग़ैर ऊंची, कोई वली कोई तसव्वुफ़ कोई सूफ़ी शरीयत के बग़ैर ऊंची, कहिए ज़ोर से कहिए, ये याद कर लें। क्योंकि आजकल एक जुमला बहुत बोला जाता है, मौलवी की शरीयत और है सूफ़ी की तरीक़त और है, शरीयत तुम्हें सिर्फ ज़ाहिर पे रखेगी, तरीक़त तुम्हें दर्जों पे पहुँचाएगी। ये बातें करने वाले ड्रामे हैं, फ्रॉड हैं। शरीयत के बग़ैर किसी को दर्जा मिल सकता नहीं, और कोई तरीक़त शरीयत के बग़ैर नहीं। तरीक़त का मतलब शरीयत पर उम्दगी से अमल करना। मसलन शरीयत कहती है हराम से बचो, हराम से बचो। तरीक़त क्या कहेगी? शुबे वाली चीज से भी बचो, शुबे वाली चीज से भी बचो। शरीयत कहेगी जो ख्वाहिशात हैं जायज, सही ख्वाहिशात हैं, वो पूरा करने में कोई खराबी नहीं। तरीक़त क्या कहेगी? ख्वाहिशात से भी बचो, क्योंकि ख्वाहिशात में रहने वाला बंदा फिर लज्जतों का आदि हो जाता है, सहल पसंद, वो आपको ज़्यादा सख्त बनाते हैं। मगर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना, आपका दिल चाह रहा है ठंडा पानी पीने को तो कोई गलत नहीं है, मीठा नमकीन तुर्श जायज़ हलाल खाने को मना नहीं है। लेकिन एक शख्स कहता है नहीं, मैं अपने नफ्स को मारूंगा, मेरा नफ्स अगर कहता है ठंडा पानी तो मैं उसको गर्म पानी दूंगा, तो ये नफ्स को संवारने के लिए जो काम किए जाएं वो तो माने जा सकते हैं, मगर शरीयत से हटना या शरीयत के ख़िलाफ़ करना उसकी कोई गुंजाइश ऊँची कहिएगा। हमारे यहाँ मर्दों के लिए और औरतों के लिए कुछ फ़र्क रखा गया। औरत लाजमी बात है माँ होती है घर में, बीवी भी होती है, बच्चों को भी देखना है, शौहर को भी देखना है, घरदारी भी करना है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ नहीं रखे जो मर्दों के लिए रखे, नहीं तो फिर वो घरदारी कैसे करेगी, शौहर के साथ कैसे रहेगी, उसके लिए रियायतें हैं। हदीस शरीफ में है जो औरत नमाज रोज़े की पाबंदी करे, उसका शौहर उससे खुश हो, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। आसानी रख, आजकल कुछ लोग कहते हैं औरतों को अपने शौहर से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो, फलानी चीज़ नहीं करो। ये कहाँ से निकाल ली है तुमने मसले, किसने तुम्हें इख्तियार दिया है? तो शरीयत का हुक्म के ख़िलाफ़ कोई हुक्म दे सकता नहीं। आपको एक हदीस सुना दूँ, ला ताअता लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक। ये हुक्म है कि खालिक की नाफरमानी में मखलूक का कहना माना जा सकता नहीं। कोई शख्स ऐसा हुक्म दे जो रब के हुक्म की नाफरमानी हो तो वो किया जा सकता नहीं, और उसको जायज़ समझ के करना तो कुफर तक ले जाएगा। कि अल्लाह ने मना किया है और कोई उसको कहे कि नहीं ये बिल्कुल जायज़ है, तो हराम को हलाल समझना ये तो आपको कुफर तक ले जाता है। तो जहन में रहे
ये अम्मा युश्रिकून के हवाले से मैंने कुछ बातें आपको सुना दी हैं कि किस किस बात पर क्यों शिर्क के फतवे दे दिए जाते हैं। अब लफ्ज़ हैं शायरी में आते हैं, शौहर को मजाजी खुदा, पता नहीं किसने कह दिया, कोई मजाजी खुदा नहीं होता, मजाजन भी कोई खुदा ऊंची, जायज़ कहा जाए उसको, इजाज़त दी जाए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। ना खुदा ये फारसी का लफ्ज़ है, खुदा अल्लाह का नाम नहीं है, फारसी में अल्लाह के लिए बोला जाने वाला लफ्ज़। वो खुदा का लफ्ज़ कई चीज़ों पर बोलते हैं, हम सिर्फ खुदा ताला खुदा कहना जायज़ कहते हैं, मगर याद रहे कि ये अल्लाह का नाम नहीं। खुदा ताला कह लें खुद से जो हो, खुदा उसको कह रहे हैं, वो अल्लाह ही है, लेकिन वहाँ पर खुदावंद खुदायान ये फ़ारसी में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। मसलन आपको समझाने के लिए कह दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, रब का लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, रब के माने पालने वाला। क़ुरान में रब का लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी आया, बादशाह के लिए भी आया, माँ बाप के लिए भी आया। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बुल मलाइकति वर्रूह अल्लाह के लिए आया। फिका की ज़बान में रब्बुल माल कहते हैं। तो रब का लफ्ज़ एक है, मगर जो माना अल्लाह के लिए हैं बिल्कुल वही माना दूसरों के लिए नहीं। मलिक का लफ्ज़ बादशाह अल्लाह के लिए भी आया, बादशाह के लिए भी आया, आप फरिश्तों को भी मलक कहते हैं। लफ्ज़ एक है, हकीकत एक ऊंची। अर्श का लफ्ज़ अल्लाह के अर्श के लिए भी आया, बादशाह के तख्त के लिए भी आया। तो लफ्ज़ एक है मगर हकीकत एक नहीं। अल्लाह भी रहीम है बंदे भी रहीम, अल्लाह भी समी है बंदे भी, मगर हकीकत एक। ये बहुत आसान करके मैंने बातें आपको समझाई, लेकिन ऐसा लफ्ज़ जो सरी हो, सरी के माने साफ खुला हुआ, उसमें कोई इबहाम छुपा हुआ ना हो, साफ सरीह लफ्ज़ में तावील नहीं की जाती। सरीह लफ्ज़ में तावील का मतलब जाहिर के माने छोड़कर दूसरे माने पहनाना, उसको तावील कहते हैं। नज़दीक का माना छोड़कर दूर का माना पहनाना तावील कहते हैं। तो खुले लफ्ज़ में मसलन वलदुल हराम, समझाने के लिए मजबूर हूँ कहने के लिए तो समझा रहा हूँ। वलदुल हराम का मतलब आप उर्दू में कहते हैं हराम ज़्यादा, कि ये जायज़ औलाद ऊंची, इल्लीजिटिमेट चाइल्ड आप उसके लिए ये कहते हैं। अब ये वाज़े लफ्ज़ हैं, लेकिन हराम के माने इज्जत के भी हैं। अब कोई ये कहना चाहे कि वलदुल हराम का मतलब नाजायज़ औलाद नहीं, हराम ज़्यादा नहीं, बल्कि इज्जत की पैदाइश, तो क्या माना जाएगा? नहीं। बस ये भी आपको समझा दिया कि सरी लफ्ज़ में तावील तावील नहीं। ये लोग खेलना चाहते हैं, उनको बता रहा हूँ कि वो ये खेल खेल सकते नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ जो गुस्ताखी हो,
क्या हो? फिर कहिए, उसकी तावील करे। तावील का मतलब कोई दूसरा माना पहनाए, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बाद में कहे मेरी नीयत ये नहीं थी, इसकी भी गुंजाइश गुस्ताखी गुस्ताखी होगी। देखे ना कुरान पढ़े, अल्लाह फरमाता है ला तकूलू राएना, मेरे हबीब को राएना ना कहो। अब राएना का लफ्जी तर्जमा हमारी रियायत कीजिए। बज़ाहिर माने में कोई खराबी है, मगर ये लफ्ज यहूदियों के यहां गाली समझा जाता था। क्या समझा जाता था? किसी और जगह वो लफ्ज उसके माना खराब, तो उसकी भी गुंजाइश नहीं कि नबी के लिए ऐसा लफ्ज भी बोल सकते। ऊंची और ऊंची। मैंने ये बात इसलिए की कि गुस्ताखी के लफ्ज़ बोलकर बाद में कहना कि नीयत ये नहीं थी या मेरी मुराद ये थी, तो ऐसे लफ्ज़ की वो तावील कबूल नहीं की जाएगी। गुस्ताखी का लफ्ज़ गुस्ताखी ही शुमार होगा। गाली को दुआ नहीं कह सकते, गाली को गाली ही रहेगी। ये मैंने ये बात भी आपको बता दी। ये जो हेर फेर जितने करते हैं ना हम अहले सुन्नत पर मुशरिक बिदती कहने के लिए, मैं उन सब बातों के आपको जवाब दे रहा हूं। नजर और नियाज आपके यहां ये लफ्ज भी बोले जाते हैं। नजर और नियाज शरई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं। आपको आदत है नियाज के माने आप क्या कहते हैं, आजिजी के, बंदगी के माने, या हिमुलेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं आजिजी के तौर पर। चूंकि अल्लाह वालों के जो तबर्रुक होते हैं उसको नियाज के, वो उसमें बरकत होती है, हमें मिल जाती है, तो उसके लिए एक तरह से लफ्ज बोलते हैं। नजराना का लफ्ज आपके यहाँ राइज है। कोई कह देता है मैं ये शेर आपकी नज़र करता हूँ, ये चीज़ आपकी नज़र करता हूँ, तो नज़र का लफ्ज तो वही है, मगर हकीकी नज़र किसके लिए है? ये उर्फी है। ये क्या है? उर्फी, ऐन रे फे, ये उर्फी यानी रवाज में, उर्फ में, पहचान में ये माना लिए जाते हैं। अब मैं कहूँ ये गौस पाक की नियाज है, तो मतलब क्या होगा कि इसका सवाब गौस पाक को पहुँचाना है। इसका सवाब ये ख्वाजा साहब की नियाज है। उनको जिसको सवाब पहुंचाना हो उसका नाम ले दिया जाता है। ये मालूम होना चाहिए, अकीदा यही है कि नज़र किसके लिए है। तो हमारा तरीक़ा क्या है? हम कहते हैं या अल्लाह जो कलाम पढ़ा, जो खाना पकाया, तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा, इसका अजर अता फरमा। और वो अजर या अल्लाह करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बरकत से फलां 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 को पहुंचा, तो पेश किसकी बारगाह में किया? तो नज़र होती ही अल्लाह के लिए। उर्फी तौर पर ये जो बोल देते हैं नज़र नियाज, तो अकीदा समझना है। ये नहीं कि गौस पाक को ही असल, असल कौन है? जिनको सवाब पहुंचाना है उनका नाम लेते हैं। अब किसी ने गाय ले ली, ग्यारहवीं शरीफ में मैं इसको नियाज में पकाऊंगा, जबा करके इसका गोश्त,
तो वो ये कहता है ये गौस पाक की गाय है, नाम ले दिया शेख सद्दू की गाय है, ये सालार मसूद गाजी की न्याज है। ये इस तरह बोल देते हैं, उस पर फतवा लगाया जाता है शिर्क। जो मुखालिफ हैं वो फतवा देते हैं शिर्क, कहते हैं जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ गया वो हराम हो गई। जिस चीज़ पर किसका नाम, गैरुल्लाह का नाम आ गया वो, अगर उनका ये फतवा बिल्कुल बिलफ़्ज़ ही वर्बेटम मिन ऑन माना जाए तो कोई भी चीज़ हलाल रहेगी? ये मकान किसका है, ये दुकान किसकी है, ये सामान किसका है, ये चीज़ किसकी है, ये बेटा किसका है, ये बीवी किसकी है? नाम बंदों का लेते हो या अल्लाह का? ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये तेरी बीवी, ये मेरी बेटी, बोलते हो या नहीं? और अगर गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो हराम, तो किसी की बीवी हलाल रहेगी? क्योंकि बीवी पे शौहर का नाम आता है, अल्लाह तो बीवी से पाक है। वलम तकुल लहू साहिबा, उसकी कोई बीवी नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं नाम आ गया तो हराम, तो फिर कोई चीज बचेगी ऊंची? कैसा फतवा है? बस मशीन गन की तरह फतवा चला दिया। अब ये कहना कि ये गौस पाक की गाय है, वो कहते हैं इतना कहने से हराम। तो जब कुर्बानी का मौका आता है, ईद कुर्बान, आप कहते हो ये फलां की गाय है, नाम लेते हो या नहीं? तो फिर वो हलाल रही? अगर इतना कहना कि गौस पाक की गाय है हराम हो गया, तो ये शेख साहब की गाय है, हैं, ये भोलू साहब का बकरा है, ये फलाने साहब का दुम्बा है, हलाल रहेगा ऊंची? कैसे फतवे देते हो? हमें आयतें पढ़ के सुनाते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करें तुझी से मदद चाहें। तो कहते हैं एक घर की बीवी होती है, वो शौहर से कहती है तेरी ही हूँ। एक बाजारी औरत होती है, वो कहती है तेरी भी हूँ। समझ रहे हैं बात आप? ये इन्होंने बहुत पहले इस तरह की बात की थी तो वाले साहब किबला ठीक ठाक जवाब दिया करते थे। तो ये कहते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह तेरे ही हैं, ये कहते हैं तेरे भी हैं। वो हमें बाजारी बना के खुद घर की सुतरी बीवी बन के रहना चाहते हैं। तो सुनो, ही हूँ और भी हूँ में फ़र्क बहुत है। वो जो कहती है ना मैं तेरी ही हूँ, तो क्या मतलब बीवी तेरी ही हूँ? बीवी तेरी ही हूँ, क्या ये भी कहती है कि बेटी भी तेरी ही हूँ, बहन भी तेरी ही हूँ, माँ भी तेरी ही हूँ, बहू भी तेरी ही हूँ, है, बेटी भी तेरी ही हूँ? ही हूँ कहने का मतलब कि सिर्फ तेरी बीवी हूँ। बीवी तेरी ही हूँ, बाप की बेटी भी हूँ, भाई की बहन भी हूँ, बेटे की माँ भी हूँ। ठीक है ना, समझ आया? ये ही हूँ भी हूँ मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आप लोगों को शायद पसंद ना आए। ये जो खुद बनते हैं ना, इनको थोड़ा सा समझना चाहिए। हम क्या कहते हैं, या अल्लाह इबादत गुजार तेरे ही हैं, माबूद तुझी को मानते हैं, इबादत तेरी ही करते हैं, मगर तेरे प्यारों की ताजीम भी करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं गया, कभी और वक्त होगा तो आपको बहुत मिसालें दे के समझा दूंगा। इन लोगों को बात करते हुए शर्म नहीं आती ये जो ऐसा कहते हैं। तो याद रहे, हम
हर वो बात जो शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ है उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रखते, उसमें कोई हलाल करने की कोशिश नहीं। जो हराम है नाजायज़ है वो नाजायज़ है, लेकिन जो नाजायज़ नहीं है उसको हराम कहने की इजाज़त भी दे सकते नहीं। अब तुम मीलाद मनाने को खड़े होकर अदब से सलातो सलाम पढ़ने को या कह के पुकारने को अगर तुम गलत कहोगे तो फिर हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अल्लाह के सिवा किसी को माबूद समझकर पुकारना जायज़ नहीं, अल्लाह का महबूब समझ के पुकारना बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह के प्यारे के लिए अदब से खड़े होना, अकीदत मोहब्बत ताज़ीम से ये जायज़ है। इबादत की नीयत से किसी और के लिए खड़े होना जायज़ नहीं, बात वाज़ह। मगर ये लोग हर बात पर कब्र पुजारी कह देते हैं। मैंने कितनी मर्तबा आपको बताया हम कब्र पुजारी नहीं, मगर जब बताया जाए ये अल्लाह के महबूब की कब्र है, अल्लाह के वली की कब्र है, तो हम उसकी अगर ताज़ीम करते हैं तो वो उसकी इबादत नहीं है। और शाइरिल्लाह की ताज़ीम करना, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करना जायज़ है, हुक्म है। सफ़ा मरवा क्या हैं? अल्लाह की निशानियाँ, पत्थर हैं, मिट्टी है, और क्या है, पूछ रहा हूँ। वहाँ पर हज़रत हाजरा के कदम लगे, हज़रत हाजरा वलिया हैं क्योंकि कोई औरत नबिया नहीं हुई, हज़रत हाजरा वलिया हैं उनके कदम लगे, अल्लाह ने उनको क्या फरमा दिया, ऊंची शाइरिल्लाह। जहाँ सिर्फ कदम लगे और हट गए वो शाइरिल्लाह हो गई, तो जहाँ अल्लाह वाले पूरे जिस्म के साथ मौजूद हैं उस जगह के लिए क्या कहोगे? कुछ समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? लेकिन जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं। पत्थर को चूमने का हुक्म, हजरे असवद को चूमने का हुक्म है या नहीं? वो जन्नत का एक पत्थर है, टुकड़े हो गया, लगा हुआ है, चूमते हैं उसको। चूमने का सवाब इतना जैसे अल्लाह से हाथ मिलाया हो, गुनाह झड़ जाते हैं उसको चूमने से। अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक, सवाब इतना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पत्थर को चूमना वैसे कोई कहेगा तो लाजमी बात है आप कहोगे क्या हो गया, लेकिन हजरे असवद को पैसे देकर जाते हो, वीज़ा टिकट तकलीफ़ उठाते हो, चूमते हो, उस पर कभी फतवा लगा ऊंची? तो पता चला हर पत्थर का मामला एक जैसा नहीं है, तो हर बंदे का मामला भी एक जैसा। अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं उनकी ताज़ीम का हुक्म है, उनकी ताज़ीम का हुक्म, उनकी बेअदबी हमारे ईमान को बर्बाद कर देती है। ईमान लाते ही पहला काम नबी की ताज़ीम करो, है या नहीं है? ऊंची कहिएगा। तो जो लोग इनकार करते हैं उन्होंने मानना नहीं है और हमने छोड़ना, क्योंकि जो शरान शरीयत और सुन्नत से साबित है इनके कहने से वो गलत नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें आपको पहुँचाई हैं। हम किसी को हरगिज़ अल्लाह का शरीक नहीं ठहराते, हम नबी वली की ताज़ीम करते हैं। जो बुत परस्ती करें, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करें, वो और लोग हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत, ज़ोर से कहें, नहीं।
क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो वो लोग जो अल्लाह का किसी को शरीक बनाते हैं, उनसे कहा गया अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, उसने रोज़ी दी, वो तुम्हें मारेगा फिर जिंदा करेगा, तुम्हारे शरीक इनमें से कोई काम कर सकते हैं? नहीं। तो फिर अल्लाह शरीकों से पाक है, उसको पाक जानो, शिर्क ना करो, शिर्क ना करो। तो शिर्क के हवाले से कुछ बातें कर दी। हम अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत और सुन्नत के पाबंद हैं। हम अल्लाह की नाफरमानी करके, शिर्क करके अल्लाह को राज़ी कर सकते नहीं। हमारा निदा से पुकारना, हमारा मदद मांगना अल्लाह वालों से, सब कुरान हदीस से साबित है। हम कोई गैर शरई काम नहीं करते। हाँ, ये शिर्क बिदत के फतवे लगाने वाले खुद क्या क्या करते हैं उस वक्त इनको अपने फतवे याद नहीं रहते। एक तरफ कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगो, और फिर हर एक से चंदे भी मांग रहे होते हैं, वोट भी मांग रहे होते हैं, और क्या क्या मांग रहे होते हैं। उस वक्त इनको फतवा याद रहता। अपने पीरों के, जिनको पीर समझते हों या कहते हों, उनके हाथ पांव भी चूमते हैं, अपने मुल्लाओं के। हम चूम लें तो मना, ये चूम लें तो चाहे, हैं? थानवी के इस्तेमाल की चीज़ों को बंद कमरे में रख के लोगों को ज़ियारत कराएं कि ये थानवी की लाठी थी, ये थानवी के कपड़े थे, फेसबुक पे मौजूद है, वो जायज़। अल्लाह वालों के तबर्रुकात पे फतवे लगाते हैं, तो बोलो फिर ये खुद ही गलत हैं या नहीं? मेरी किताब मज़ारात और तबर्रुकात और उनके फ्यूज़ात पढ़ लेना, मैंने इनकी किताबों से ही लिखा है इनका क्या हाल है। एक हिंदू की गर्दन चूमने इनका एक मुल्ला चला गया, हिंदू की गर्दन चूमने, क्यों? कि तेरी इस गर्दन पर मेरे उस्ताद ने थप्पड़ मारा था, उनका हाथ लगा था, तो मैं गर्दन चूमने आया हूं। ये हाल है इनका। हवाला पढ़ना हो मेरी किताब में पढ़ लें। और हम जो असली तबर्रुकात हैं उनको चूम लें तो फतवे लगाते हैं, इनको मोहब्बत नहीं, ये सच बोलते नहीं। पहले अपने घर में फतवे दे लो, बराबर कर लो क्या सही है क्या गलत, फिर हमसे बात करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम हरगिज़ मुशरिक नहीं। अब जो आयत पढ़ने लगा हूँ, ये सूरह रूम की 41वीं आयत है, सूरह रूम की 41 पढ़ रहा हूँ। इस हवाले से गुफ्तगू बाद में होगी। इसमें क़यामत की निशानियाँ भी हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि इस आयत के हर हर्फ का अदद शुमार करें तो क़यामत की तारीख का अंदाज़ा हो जाता है कि क़यामत कब आएगी। आयत सुन लें, इंशाअल्लाह गुफ्तगू बाद में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़ाहर अल फसादु फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बाद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिउन। खराबी, खुशकी और तरी में जाहिर होगी, चमकेगी, नुमाया होगी। चमकी खराबी, जाहिर हुई खराबी, खुशकी और तरी में उन बुराइयों से जो लोगों के हाथों ने कमाई, यानी लोगों ने जो कुछ किया, जो अमाल किए, उससे खराबी जाहिर हुई, खुशकी और तरी में, समंदर में भी और ज़मीन में भी।
ताकि उन्हें उनके बाज करतूतों का मज़ा चखाए। लोगों ने जो कुछ किया उनके अमलों का उनको मज़ा चखाया जाए, कहीं वो बाज आए। क्या मतलब? कि लोग देखें किस अमल का क्या अंजाम होता है, तौबा करें, अल्लाह से बख्शिश चाहें। तो ये ज़मीनों और समंदरों में फसाद आना, खराबी आना, ये लोगों के आमाल, लोगों के, ऊंची कहिएगा, हाँ हम लोग बहुत कह देते हैं मौसम बिगड़ गया, मौसम ख़राब हो गया, ये हमारे आमाल होते हैं। हम अच्छे रहेंगे तो हमें अच्छाई मिलेगी, हम बुरे रहेंगे तो बुरे रह के अच्छाई पा सकते। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह बाद में। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला वमा अलैया इल्ला बलाग। आज तारीख है रजब की 7, कल जो गुजरी तारीख वो थी 6। ख्वाजाए ख्वाजगां मोईन बेकसां वालिये हिंदुस्तान, ख्वाजाए ख्वाजगां ने चिश्त अहले बहिश्त, हज़रत सैयदना ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती सजेजी अजमेरी सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला। 6 तारीख उनकी 6ठी शरीफ मशहूर है, रजब की 6 तारीख को उनका सालाना उर्स मनाया जाता है। अजमेर शरीफ इंडिया में है, कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती है दूसरे मुल्कों से आने, बाकी वहाँ के मुसलमान और दुनिया भर में लोग अपने अपने मकामात पर हज़रत ख्वाजा साहब की याद मनाते हैं। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इस कुफरिस्तान में इस्लाम फैलाया। मदीना मुनव्वरा गए, हुजूर ने इनको हुक्म दिया हिंदुस्तान जाओ, हमारे दीन की तबलीग करो। लकब दिया हुजूर ने मोईनुद्दीन, दीन की मदद करने वाला। नाम हसन है, सैयद है, ख़ानदान रसूल से है, लकब मिला मोईनुद्दीन, वही मशहूर हो गया। गरीब नवाज लकब है। मदीना मुनव्वरा से पैदल अजमेर आए, राय पथौरा अजयपाल, जादू का बड़ा ज़ोर था, ख्वाजा साहब से मुकाबला हुआ, आपने करामात दिखाई, जादूगर मुसलमान हुए। और ख्वाजा साहब की ये शान, जब हिंदुस्तान आए अकेले थे, जब दुनिया से गए 95 लाख काफिरों को मुसलमान करके गए। नारे रिसालत। तो ख्वाजा साहब ने इस्लाम फैलाया, दीन फैलाया, करामात भी बेशुमार, आबिद व जाहिद भी बहुत, शरीयत व सुन्नत के पाबंद। एक दिन में 2 मरतबा कुरान पढ़ लेते थे, ये भी कमाल था। इबादत गुजार कितने। आज गैर भी मान रहे हैं, गैर भी। अंग्रेज़ों ने लिखा, थानवी साहब ने भी नकल किया, वाइस राय लॉर्ड कज़न, जो अंग्रेज़ की तरफ से हिंदुस्तान में हुक्मरान बना के भेजा गया था, वो जब वापस गया तो उसने खुद नविश्त लिखी, ऑटोबायोग्राफी, मैंने हिंदुस्तान में क्या देखा क्या हुआ।
तो उसने लिखा कि मैं आज भी हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, सैकड़ों बरस गुजर गए, एक कब्र है जो आज भी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है, ख्वाजा साहब की कब्र है। अंदाजा करें, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से चिश्ती सिलसिला चला, फिर इसकी आगे शाखें हो गईं, चिश्ती निज़ामी हो गया, चिश्ती साबरी हो गया, चिश्ती निज़ामी अशरफी हो गया, सिलसिले शाखें। पाकिस्तान में चिश्ती सिलसिले की बड़ी दरगाहें हैं। सबसे बड़ी दरगाह पाकिस्तान में पाक पतन शरीफ हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर, ये हज़रत ख्वाजा साहब के खलीफा। फिर क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब मोहारवी, चिश्तियाँ शरीफ, फिर तौसा शरीफ, फिर सियाल शरीफ, फिर गोलड़ा शरीफ, ये सारा ख्वाजा साहब का फैज़ान है। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए। माह रजब की 6 तारीख उनकी याद में मनाई जाती है। बड़े चंद लफ्ज़ों में हदिया पेश किया, उनका जितना ज़िक्र करें वो कम है। हमारे मोहसिन हैं वो, अगर वो इस इलाके में ना आते तो आज लोग पता नहीं क्या होते। ये बरकत है उनकी, उनके ज़रिए यहाँ इस्लाम फैला है और आज भी उनकी कब्र से फैज़ जारी। 6ठी थी कल, और कल ही लैलतुर रगाइब थी, पहली जुमेरात माह रजब की, उसमें रोज़ा रखा जाता है। मगरिब के बाद 12 नफल और कुछ कलाम पढ़ा जाता है सारे साल में बरकत के लिए। तो जो हो सका होगा जिन्होंने वो भी किया होगा। एक बात और करनी है, आगे आएगी 13 रजब। क्या ऊंची कहें, ये तारीख़ पैदाइश योम विलादत तारीख़ मीलाद है। मौलाए कायनात मौलल मुस्लिमीन खलीफा राबे अमीरुल मोमिनी शहनशाह विलायत फातह खैबर हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम, उनकी पैदाइश की तारीख़ है। शिया लोग इसको योम मौलूद काबा कहते हैं। काबे में हज़रत अली की विलादत हुई, मस्जिद में शहादत हुई। वो कहते हैं कायनात में इन जैसा कोई नहीं, इनकी पैदाइश काबे में, शहादत मस्जिद में हुई। तो क्या इस लिहाज से वो नबियों से भी अफजल हो जाएंगे? ऊंची नहीं। हज़रत अली हो या कोई हो, फजीलत शरफ ईमान के साथ होता है। बिला शुबा ये हज़रत अली की खसूसियात में आएगा, मगर उनकी शान काबे में पैदा होना नहीं है। उनकी शान वो फरमान हैं, क़ुरान की आयतें और नबी के फरमान जो उनके लिए फरमाए गए। हज़रत अली की विलादत के मौके पर आप लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे। मोहब्बत अकीदत से फातिहा खानी करें, ईसाले सवाब करें, खुशी मनाएं, मगर कोई गलत काम जैसे शिया लोग करते हैं वैसे नहीं करना। हज़रत ईसा भी काबे में पैदा हुए, हकीम बिन हज़्ज़ाम भी काबे में पैदा हुए, मैंने आपको बताया ना। तो हज़रत अली की शान वो है जो क़ुरान ने बताई है, जो हदीस ने बताई है। वो वलियों के बादशाह हैं, बड़ी शान। इंशाअल्लाह 13 रजब आ रही है, आइंदा जुमा में मौला अली का ज़िक्र करूँगा। क्यों?
उनकी तारीख़ शहादत, तारीख़ वफ़ात है 21 रमदान। वो आती है रमदान में, उस मौके पर दूसरे मौजूआत होते हैं। तो हज़रत अबू बकर का दिन, हज़रत उमर का दिन, हज़रत उस्मान का दिन हम मनाते हैं, तो मौला अली का क्यों ना मनाएं। तो इंशाअल्लाह यौम विलादत के हवाले से ज़िक्र अली करूँगा, क्योंकि ज़िक्र अली करना भी इबादत है। वली बन गए या अली कहने वाले, ठीक है ना। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे उनका ज़िक्र करूँगा। यकम 2 फरवरी को उर्स है हज़रत ख़तीब आज़म मौलाना मोहम्मद शफी साहब उकाड़वी, मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह का। आपको बता रहा हूँ कितने अरसे से इश्तिहार छपे हुए हैं, रिसाला भी छप गया पिछले जुम्मे, तकसीम किया, जिनको पिछले जुम्मे नहीं मिला वो आज हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो ले चुके हैं वो दोबारा ना लें ताकि ज़्यादा लोगों तक जाएगा। जो अपने अपने इलाक़ों में, मस्जिदों में या जगह पर इश्तिहार लगाना चाहें वो इश्तिहार भी ले जाएं और लगाएं। जुमेरात जुम्मा, यकम फरवरी जुमेरात, 2 फरवरी जुम्मा, ये उर्स मनाया जाएगा। कलाम भी पढ़ें, जमा भी करें और बड़ी तादाद में शिरकत करें इंशाअल्लाह ताला। पेशावर में यक्कातूत इलाका है, वहाँ एक बुज़ुर्ग हुए हैं, मौलवी जी उनको कहते थे, नाम उनका हज़रत पीर सैयद अमीर शाह गीलानी। बड़े आलिम फाजिल, बड़े प्यारे बुज़ुर्ग दोस्त थे बहुत। उनके बड़े बेटे सैयद मोहम्मद हसनैन गीलानी, सैयद आगा कहते हैं उनको, 2 दिन पहले पेशावर में इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह वहाँ पर सुन्नियत के हवाले से उस घराने की बहुत खिदमात है। शाहिद अत्तारी साहब दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी वालिदा इंतकाल कर गईं। और भी जितने लोग इस दौरान ईमान के साथ चले गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। गज़ा, फ़लस्तीन, जनूबी अफ्रीका वालों ने आलमी अदालत में मुकदमा दाखिल किया और जीत गए, लेकिन अब उस पर अमल होना, अमल दरामद होना बाकी है। दुनिया भर के मुसलमानों को सोचना चाहिए, जो काम तुम्हें करना था वो तुमने नहीं किया, गैर मुस्लिमों ने किया। तुम्हें आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपने दुनिया के मफादात अजीज़ हैं। गज़ा में बच्चे कट रहे हैं, औरतें मर रही हैं, अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं। कल क्या जवाब दोगे अल्लाह को, तुमने क्या किया, तुम्हारे सामने ये हो रहा था। तो मुझे और आपको अपने अपने तौर पर फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद रखनी है, उनकी मदद भी करनी है, उनके लिए दुआ भी करनी है। अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों को फतह अता फरमाए, उनकी ज़मीनें उनको वापस अता फरमाए, उनके नुकसान को अल्लाह नफ़ा से बदल दे। मगर हम सबको भी गैरतमंद होना चाहिए। आपके मुल्क में इस वक्त फ़ज़ा बनी हुई है इंतखाबात इलेक्शन की, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को बुरा कहना। ये करोड़ों रुपए खर्च करके आपको कह रहे हैं हम आपके दोस्त हैं, क्या दोस्ती की है 75 साल में इन्होंने, किसी ने क्या दिया है, लूटा ही है। महंगाई हम पे ला दी है, कर्जे हम पर ला दे हैं। वोट देना पड़ेगा तो नबी के वफादार को देना, सच्चे मुसलमान को देना, मुहिब वतन पाकिस्तानी को देना, इसके सिवा किसी को नहीं देना। हमें लुटेरे नहीं चाहिए, हमें ये नफ़रतें देने वाले, तौहीन करने वाले, दीन से खेलने वाले नहीं चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अजीब फ़ज़ा पैदा हो गई है, उन्होंने फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की है। इस हवाले से
पाकिस्तान की हुकूमत ने, अफवाज ने मुनासिब कदम उठाया, मगर कोशिश करनी चाहिए कि मुसलमान कहलाने वालों को उन मुसलमान कहलाने वालों के मामले में ऐसी नौबत ना आए कि दूसरे फ़ायदा उठा लें, गैरों को फ़ायदा पहुँचे, वो ना हो। ईरानी जैसे कैसे हैं, वहाँ सुन्नी भी हैं, बहरहाल उनके लिए भी हम यही चाहेंगे कि वो भी होश के नाखून लें। और हमें हमारे नबी ने कहा है, जंग की तमन्ना ना करो, जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर भागना भी नहीं है, सही है ना। तो अल्लाह करे हमारे वतन की सलामती और इस्तेकाम रहे और इसके दुश्मन नाकाम हो जाएं। होशमंदी में रहना है, गलत चीज़ों का साथ नहीं देना है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ है, वो शायद सर्दी की वजह से या ज़्यादा सफ़र की वजह से, वो कमर में जो पहले कुछ बरस पहले तकलीफ़ जागी थी वो थोड़ी सी तंग कर रही है। तो दुआ करें अल्लाह सेहत दे दे, नबी पाक का ज़िक्र करते रहें, उसमें जिस्मानी रुकावट थकावट न बनने पाए। अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये कैलेंडर हमेशा हर साल छपता है सुन्नियों की तरफ।